चार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास टेंथ की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड पोयम, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, के सेंट्रल आइडिया का मीन्स बाय मीन्स अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अब तक कक्षा 10 का कितना सिलेबस पढ़ाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो देखिए, फर्स्ट फ्लाइट में मैंने 4 लेसन जो है पढ़ाकर अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, डिटेल्स में उनकी एक्सरसाइज भी और एक एक मीन्स का जो है उनका एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप जो है चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो है क्लास टेंथ के सारे चैप्टर्स जो है अब तक पढ़ाए गए हैं चैनल पर, वो सारे चैप्टर्स जो है आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप जो है वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और पोइट्री के अंतर्गत मैंने जो है 6 पोएम आपकी पढ़ा दी हैं और इनके सेंट्रल आइडिया भी मैं करवा रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने इनकी एक्सरसाइज भी करा दी है, आप जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं। 6 पोएम मैंने पढ़ाकर जो है चैनल पर अपलोड कर दी हैं। और सप्लीमेंट्री के अंतर्गत जो कि हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसमें मैंने 3 लेसन पढ़ाकर जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ जाकर जो है अच्छी तरीके से उनको पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे इसके, ए टाइगर इन द जू का। तो चलिए, समय को ना गवाते हुए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सेंट्रल आइडिया देख लीजिए पहले। इन दिस पोयम द पोएट इज़ ट्राइंग टू कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। तो देखिए, इन मिस में दिस मिस इस पोयम इस कविता, कह रहे हैं कि इस कविता में द पोएट, कह रहे हैं कि कवि, इज मिस है ट्राइंग, कह रहे हैं कि प्रयास कर रहा, टू कंट्रास्ट, कह रहे हैं कि विपरीत, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू का मतलब यही होता है कि चिड़ियाघर में, कह रहे हैं कि चिड़ियाघर में विद द टाइगर, कह रहे हैं कि बाघ के साथ, मतलब चीता के साथ, टाइगर के साथ। इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, इन मीस में इट्स मीस उसके, मतलब अपने, रियल मतलब वास्तविक और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और हैबिटेट का मतलब होता है आवास। तो यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिए कभी क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं कि इस कविता में कभी अपने वास्तविक प्राकृतिक आवास में बाघ के साथ, चिड़ियाघर में एक बाघ के विपरीत प्रयास कर रहा है। तो ट्राइंग का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, प्रयास करना। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर टू का मतलब सभी जानते हैं कि ताकि होता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। इन ऑर्डर टू शो, कह रहे हैं कि दिखाने के लिए, शो का मतलब क्या होता है, दिखाना होता है। कह रहे हैं कि दिखाने के लिए द कंट्राडिक्शन, द कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास होता है। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। द पोएट, कह रहे हैं कि कवि, शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, बदलता है, एस जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो शिफ्ट से बदलता है। द सीन, सीन का मतलब होता है दृश्य, कह रहे हैं कि दृश्य को बदलता है, फ्रॉम द जंगल टू द जू, कह रहे हैं कि जंगल से चिड़ियाघर तक के लिए। तो देखिए पूरा क्या कहना चाह रहा है, कभी विरोधाभास दिखाने के लिए कभी जंगल से चिड़ियाघर तक का दृश्य क्या करता है, वो चेंज करता है, मतलब बदलता है, शिफ्ट। कहते नहीं है कि मेरी शिफ्ट जो है शाम की है, और देखो कोई भी जॉब चलता है, जॉब करता है कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी कंपनी होती है तो सारे जो है शिफ्ट में चलता है काम, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसी तरीके से यहाँ शिफ्ट का मतलब जो है बदलने के लिए लगाया गया है। तो देखिए पूरा फिर से देख लीजिए, इन ऑर्डर टू शो द कंट्राडिक्शन द पोएट शिफ्ट द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू, कहने का मतलब ये है विरोधाभास दिखाने के लिए कभी जंगल से चिड़ियाघर तक का दृश्य बदलता है। आगे देखिए, द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरमेंट्स, कह रहे हैं कि द पोएट, कवि, वांट्स, चाहता है, टू शो, दिखाना, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है, कह रहे हैं कि अंतर दिखाना चाहता है, कह रहे हैं पूरा देख लीजिए, कवि अंतर दिखाना चाहता है बिटवीन, कह रहे हैं कि बीच में, द टू एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट्स का मतलब होता है परिवेश कह सकते हैं, या वातावरण कह सकते हैं, या हमारा ये जो पर्यावरण होता है वो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है, आता है। तो देखिए कभी जो है पूरा क्या कहना चाहता है इस लाइन में देख लीजिए, कह रहे हैं कि कभी दोनों परिवेशों के बीच, अर्थात वातावरण के बीच, ठीक है, क्या करना चाहता है, अंतर दिखाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से देख लीजिए, द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरमेंट्स, कह रहे हैं कि कभी दोनों परिवेशों के बीच अंतर दिखाना चाहता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए समझाने का पूरा प्रयास किया है, और आपके लिए अच्छी तरीके से ये सेंट्रल आइडिया, ये टाइगर इन द जू का आपके लिए अच्छी तरीके से मीन्स बाई मीन्स और लाइन्स बाई लाइन्स आपकी समझ में आ गया होगा। और आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, उनमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।